ये है जी नासिक की सबसे फेमस चिराग बिरयानी, और यहाँ रोजाना लगभग 1200 से 1500 प्लेट वेज बिरयानी बनाई और बेची जाती है। चिराग बिरयानी पे आपको आलू की, पनीर की और पनीर टिक्का की ये बिरयानी सर्व की जाती है, और यहाँ ये मसाले वाली बिरयानी सिर्फ और सिर्फ ₹40 से स्टार्ट हो जाती है। इनकी बिरयानी की पॉपुलैरिटी इस भीड़ को देख के आप लगा ही सकते हैं, तभी शायद लोगों का ये सबसे फेवरेट बिरयानी स्पॉट है। बिरयानी का ये पतीला कॉन्टिन्यूसली यहाँ रिफिल होता रहता है और हार्डली 2 घंटे में इनकी ये बिरयानी सेल हो जाती है। अगर आप भी बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा बिरयानी की दीवानगी कहीं और देखी नहीं होगी। तो जी हम पहुंच चुके हैं नासिक, हमें सौरभ भाई घुमाने वाले हैं। और सौरभ भाई सबसे पहली जगह कहाँ जा रहे हैं हम? अभी सबसे पहले तो इधर आए चिराग बिरयानी। ये चिराग बिरयानी मतलब ये वेज बिरयानी है, नॉन वेज बिरयानी है? वेज बिरयानी के लिए एकदम। अच्छा वेज बिरयानी है क्या? वेज बिरयानी यहाँ पे पनीर बिरयानी है, हाँ। अपना आलू के मसाले की बिरयानी रहती है, हाँ। दोनों ये पर बहुत चलती है। 6 ब्रांच है पूरे नासिक में। अरे वाह, इतने बड़े लेवल पे करते है। अभी देखो ये 3rd ब्रांच है। अच्छा ये 3rd ब्रांच लिखा हुआ है। तो भाई आओ आज आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं चिराग बिरयानी में इतना रश इनकी बिरयानी के लिए क्यों लगता है और कौन कौन सी बिरयानी यहाँ पे सर्व की जाती है। चले भाई फिर आ जाओ। ये देखिए जी एक लॉट हुआ खत्म और यहाँ पे दूसरा लॉट जो है वो तैयार पड़ा है वहाँ काउंटर पे जाने के लिए। चिराग बिरयानी की ये है जी सबसे बेस्ट वेज बिरयानी, या फिर मैं कहूँ वेज पुलाव। और देखिए कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे इसको तैयार किया जाता है। एक टाइम पे एक पतीले में लगभग कितने किलो आती है? 25 किलो। एक टाइम पे लगभग 25 किलो बिरयानियाँ तैयार की जाती है और यहाँ से ये जाएगी वहाँ बाहर काउंटर पे सेल होने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना पतीला, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरा निपट जाएगा। अरे भाई साहब देख रहे हो भाई बिरयानी की क्वांटिटी देख रहे हो, कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे इधर इस बिरयानी को जो है वो तैयार किया गया है, बनाया गया है और फिर उसके बाद इस पतीले को यहाँ पे टिकाया गया है। और ये जो पतीला आप देख रहे हो जैसे मैंने बताया कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे चेंज होता रहता है और ऑलरेडी लोग नंबर लगा के लाइन लगा के खड़े होते हैं यहाँ पे इस बिरयानी को लेने के लिए। ये देखिए जी बिरयानी में आपको 2 तरीके की बिरयानी सर्व की जाती है। एक है ये आलू वाली बिरयानी और इसका मसाला बहुत ज़बरदस्त, और दूसरी तरफ है ये पनीर वाली बिरयानी। और एक तरीके की और भी बिरयानी इसके अलावा और कौन सी है? पनीर टिक्का बिरयानी भी है। अरे वाह, ये देखो भाई अगर आपको पनीर नॉर्मल और आलू वाली नहीं लेनी है तो आप पनीर टिक्का बिरयानी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो 3 तरीके की अलग अलग वेज बिरयानी आपको सर्व की जाती है। और अब देखिएगा कितनी स्पीड में यहाँ पे जो प्लेट्स हैं या जो पैकिंग का सामान है वो किया जाएगा और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ से ये बिरयानी लगातार निकलती रहेगी। तो आप सबसे पहले ये नीचे मसाला डालते हैं क्या भैया? तो ये मसाला किस चीज़ से तैयार किया जाता है? प्याज से। अच्छा, और अदरक लहसुन भी जाता है इसमें? सब मसाला मसाला जाता है। ये देखो भाई यहाँ पे ये है मसाला जो कि है आलू का मसाला। देख रहे हो भाई क्या लाजवाब टेम्पटिंग मसाला, दिखने में आपको ये नॉनवेज लग रहा होगा, कटहल लग रहा होगा, मटन लग रहा होगा, लेकिन ये है आलू। इसमें आलू को फ्राई करके इस मसाले में डाला जाता है, बेस पे लगाया जाता है ये मसाला और ऊपर से जो चावल है उसको डाला जाता है जो कि जिसको ये बिरयानी कहते हैं। अब आप बिरयानी कहिए, पुलाव किए कीजिए, कहिए कुछ भी कहिए, नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन जो खाने में इसका स्वाद है ना लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। अब भैया क्या नाम है आपका? जफर भाई। कितने साल हो गए ये बेचते हुए? 13 साल। तो शुरुआत किसे किसने की इसकी? पापा की। अच्छा पापा ने शुरुआत की और अब आप तब से आप ही संभाल रहे हैं। लगभग कितना किलो बिरयानी बनाते हैं रोजाना? 130-140। अरे वाह रे बाप। और उसके अलावा ये आलू का और पनीर का मसाला अलग रहता है? और ये कितना तैयार करते हैं रोजाना? अच्छा मतलब एक एक पतीला रहता है, इससे ज्यादा रहता है? ज्यादा रहता है, दो टाइम बनता है। दो टाइम मतलब एक पतीला का लगभग 25 किलो का है या 20 किलो का है, तो दो टाइम यानी कि 40 किलो एक टाइम पे आलू बनते हैं और 40 किलो ही एक टाइम पे पनीर फ्राई होता है। और अगर आप पनीर टिक्का बिरयानी लें तो वो भी आपको ऑप्शन में दी जाती है और प्राइस है सिर्फ ₹40 से शुरुआत और ₹60 तक पनीर टिक्का वाली बिरयानी जाती है। भाई क्या बात है। ये कौन सा वाला भैया? ये टिक्का वाला है। तो टिक्के में सबसे पहले आप पनीर को तंदूर में रोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मसाला डालते हैं इसमें। ये देखो भाई ये है टिक्के वाला। और ये कौन सा वाला भैया? पनीर वाला है। ये पनीर वाला, इसमें क्या पनीर फ्राइड रहता है? पनीर फ्राइड। तो दिखाइए एक बार जरा। ये देखो भाई ये है पनीर फ्राइड वाला। क्या बात है, वाह भाई वाह, सुपर टेम्पटिंग बिरयानी है भाई। तो आप वेजी बेचते हैं, शुरू से वेजी आ रहे हैं भाई? मतलब मैंने बिरयानी को बहुत बनते देखा है लेकिन इस तरीके की बिरयानी मेकिंग ना मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी, और वो भी जब वेज बिरयानी की बात करूं या फिर ये वेज पुलाव की बात करूं, नाम कुछ भी हो लेकिन
बहुत ज़्यादा रश लगता है लोगों का यहाँ पे इनकी ये वेज बिरयानी खाने को। तो एक तरफ ये आलू का मसाला, दूसरी तरफ ये फ्राइड पनीर का मसाला, और तीसरी तरफ वहाँ पे पनीर टिक्के का मसाला। देखिए जी, बिरयानी किस तरीके से लगाई जाती है। सबसे पहले प्लेट में डाला जाता है नीचे बेस पे ये आलू प्याज का मसाला, और उसके बाद इसके ऊपर से डाला जाता है ये राइस। ये देखिए, तो राइस के अंदर भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। खड़े मसाले के अंदर प्याज फ्राई डाले जाते हैं और फिर ये बिरयानी की प्लेट तैयार की जाती है, जो कि है मात्र 40 रुपए की अगर आप आलू वाली लेते हैं तो। और ये देखिए, यहाँ पे हो रही है पनीर टिक्के वाली बिरयानी तैयार। सबसे पहले पनीर टिक्के के साथ मसाले को डाला गया है बेस में, उसके ऊपर ये राइस डाले गए हैं और उसके ऊपर से इसको गार्निश किया जाता है धनिया के साथ। ये देखिए जी, यहाँ पे तैयार, यहाँ पे पैक की जा रही है बिरयानी, जो कि पनीर वाली है। और ये वाला सबसे पहले मसाला इसमें डाला जाता है, ऊपर से राइस डाले जाते हैं, फिर ऊपर से मसाला और पनीर के टुकड़े डाले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा दीवानगी है इनकी ये वेज बिरयानी की। और देखिए कॉन्टीन्यूसली कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे ये बिरयानी जो है वो पैक की जा रही है, वहाँ पे लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। भैया अंदाजे में लगभग कितने, कितना प्लेट आप जो है बिरयानी बेच रहे, तो ज़्यादा 1200-1300 एक आउटलेट पे? अरे वाह। और क्या टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 9 से रात के 9, और कोई छुट्टी वगैरह नहीं रहता है? अच्छा, अगर किसी को आना हो नासिक में और कोई आपकी बिरयानी पे पहुँचना चाहे, कैसे पहुँचेगा? एड्रेस क्या है इधर का? रविवार नगर। अच्छा, तो भाई यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग टेम्पटिंग बिरयानी सर्व की जाती है। अगर आप कभी भी आ रहे हैं ना नासिक, एक बार आना भाई चिराग बिरयानी पे और इनकी ये बिरयानी ट्राई करना। अब मैं भी खा लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्यों इतनी दीवानगी है नासिक में चिराग बिरयानी की। ये देखो भाई, यहाँ से फ्राइड पनीर लगातार पीछे किचन से आता रहता है और इस मसाले के अंदर जाता रहता है, और कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे जो पनीर है ना उसको फ्राई किया जाता है, फिर इस मसाले में मिलाया जाता है, जो कि प्याज टमाटर अदरक लहसुन और न जाने कितने और मसालों से तैयार किया जाता है। और ये जो बिरयानी भैया, ये दम बिरयानी है क्या? ये दम बिरयानी रहती है? अच्छा, दम नहीं है ये, और इसको खड़े मसालों में तैयार किया जाता है? खड़े मसालों 55 रुपए के अंदर हाफ पेट भर के यहाँ पे थाली भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं ये सबसे पहले राइस, उसके साथ इसमें डाला जाता है ये आलू वाला मसाला, और उसके साथ इसमें ये दाल जाती है। ये देखो भाई, ये आती है इसके अंदर दाल, और साथ में इसमें डाला जाता है ये कीमा, वेज कीमा, और उसके साथ सैलड भी इसमें आती है। ये देखिए जी, यहाँ पे लग रही है पनीर वाली बिरयानी, और सबसे पहले यहाँ पनीर के पीसेस डाले गए, उसके ऊपर से मसाला गया, ये आया जी इसके अंदर राइस, ओए होए क्या बात है, और ऊपर से आया और मसाला, गजब, और हरा धनिया, और साथ में पापड़। और ये कितने की बताई आपने पनीर वाली? 55। वाह, देखो आए हुए 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए और ऑलमोस्ट 1/3 जो पतीला है ना वो ख़त्म होने की कगार पे। अब आप खुद अनुमान अंदाज़ा लगाइए कि इनकी बिरयानी कितनी ज़्यादा फेमस होगी और कितना इन्जॉय यहाँ पे लोग इनकी बिरयानी को करते होंगे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से भाई का हाथ एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुका है। भाई मतलब इस भीड़ को देख के आप ये अनुमान अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इनकी दुकान पे बिरयानी की जो चाह है ना लोगों की वो कितनी ज़्यादा है। मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मुझे भाई ने बताया कि इसी तरीके से यहाँ पे रश लगता है, भीड़ लगती है और लोग दीवाने हैं इनकी बिरयानी खाने के लिए। ये देखिए जी, ये है आलू की बिरयानी, जिसमें आलू का जो मसाला होता है वो नीचे बेस पे होता है। ये देखो कितना बढ़िया मसाला है इसका, और ऊपर से राइस डाले जाते हैं और ऊपर से फिर से इस पर मसाला भी डाल के सर्व किया जाता है। मेरी है आलू की और सौरभ भाई की है पनीर वाली। भाई दिखाओ जरा पनीर वाली कैसी है। ओए होए क्या बात है भाई। आई एम श्योर अगर आपने ये पूरी वीडियो अभी तक देखी है ना तो आपके मुंह में भी उतना ही पानी आ रहा होगा जितना मेरे मुंह में आ रहा है, क्योंकि भाई मतलब दीवानी अलग ही लेवल की यहाँ पे बिरयानी की। मतलब पूरा खचाखच, एक तो पूरा रेस्टोरेंट भरा है और बाहर इतने ही लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर के लिए। जरा दिखाओ भाई पीछे देखो, कितने ही सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर के लिए। तो मैंने यहाँ लिया आलू की बिरयानी, इसके लिए मैंने दिए 40 रुपए, और भाई ने लिया पनीर वाली। आप कितने साल से खा रहे हो यहाँ पे? 3 साल हो गए रेगुलर आते हो खाने के लिए। चलो भाई लेट्स हैव अ बाइट ऑफ द वेज बिरयानी। सच बताऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिरयानी को बिरयानी का नाम दीजिए, इस वाली को वेज का दीजिए, या फिर इसको आप पुलाव कहिए, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि इतने कम दाम में आपको इतने बढ़िया मसाले के साथ, जिसमें आलू फ्राइड है, खस्तापन करारापन है, और मसाला जो बढ़िया से एकदम सुड़ा हुआ है, और उसके साथ ये खिले खिले चावल बहुत बढ़िया बैठे। पनीर वाली कैसी भाई? बढ़िया, पूरा मसाले की वजह से फ्लेवर है मसाला। अंकल आप कब से खा रहे हो इधर, कितना समय हुआ आपको? 3 साल हुआ आपको, और आपको कितना साल हुआ? 6 महीने। आप बढ़िया बनाते हैं, कम दाम में एकदम बढ़िया स्वाद आता है। 6 महीने इन्हें हो गए, 3 साल इन्हें हो गए रेगुलर यहाँ आते हुए, और 3 साल ही भाई को हो गए, और मेरा फर्स्ट टाइम है। बट ये फॉर श्योर है
कि मैं जब भी नासिक आऊँगा ना तो नासिक आके चिराग बिरयानी पे इनकी बिरयानी खाए बिना या फिर पैक करा के लेके जाए बिना जाऊँगा नहीं, क्योंकि एक नंबर स्वाद है और एक बार लाइफ में ट्राई करना बनता है, बनता है ना भाई। आइए खाइए और बताइए कि आपको हमारी चिराग बिरयानी वाली रिकमेंडेशन कैसी लगी, एक नंबर।